बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और तकरीबन सुबह के 11 बज रहे हैं और अब हम तैयारी करने लगे हैं लंच की। तो आज लंच में बनेगा हमारे यहाँ चिकन दम हैदराबादी बिरयानी। तो इसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आप ये बकरा ईद की रेसिपी समझिए, आप इसे मटन में बनाइएगा, क्योंकि हमारे बच्चों को मटन नहीं पसंद है, इसलिए हमने मटन की ना बना के चिकन से बना करके आपको इसका तरीका जो है आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप इसे बकरा ईद में मटन के साथ बना करके और इस रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर जो है बनाइएगा और तारीफ़ पाइएगा इंशाल्लाह ताला आपके घर में, और आपको सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो तकरीबन 3 अदद प्याज बड़ी लेकर के हमने गोल्डन फ्राई होने के लिए रख दिया है, और यहाँ पर एक बाउल दही फेंट करके चिकन में डाल दिया है। और तकरीबन ये हमारा 1 किलो चिकन है, और यहाँ पर हसबे ज़रूरत नमक शामिल कर दिया है। और आप जब भी इसे बनाइए तो 2 से 3 घंटे के लिए इसे मैरिनेशन करके ज़रूर रख दीजिए। तो यहाँ पर हमने डाल दिया है 1/2 टीस्पून के करीब काली मिर्च, 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून भर करके मिर्चा पाउडर, और 1/2 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर। और चलिए अब बिरयानी मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 6 से 7 अदद छोटी इलायची ले ली है, और 2 बड़े जावित्री के फूल ले लिए हैं, 1/2 टीस्पून के करीब हमने ज़ीरा ले लिया है, और 1/2 जायफल का टुकड़ा ले लिया है, और 4 से 5 लौंग है, और 3 बड़ी इलायची के दाने हैं, 1 चम्मच भर के सौंफ है, तेज पत्ता है, और थोड़ी सी काली मिर्च है। और अगर आपके पास स्टार अनीस हो तो तकरीबन आप इसमें 2 स्टार अनीस भी ले लीजिएगा, जिसको वादियान का फूल बोलते हैं। और बस इसे हल्का से आपको ड्राई रोस्ट करना है। और यहाँ पर 1 चम्मच भर के हमने सूखी गुलाब की पत्तियाँ ले ली हैं। तो बस यहाँ पर ये देखिए, मसाला हमारा जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो इसे हमें अच्छे से फाइन पाउडर बना लेना है। तो प्याज भी हमारी देखिए गोल्डन फ्राई हो रही है, और इसे आपने जलाना नहीं है, वरना आपकी बिरयानी का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। और आज मेरा वीडियो भी आपको थोड़ा देर में मिलेगा, क्योंकि हम वॉइस ओवर नहीं कर पाए थे, क्योंकि कल से जो है फिर से मेरी दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और आज सुबह में तो गले में इतना इन्फेक्शन था कि खांसी बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो फिर हमने विक्स की गोलियाँ मंगा के खाई, तब जा कर के गला मेरा थोड़ा सही हुआ है। कितनी मरतबा हम वॉइस ओवर कर चुके हैं, लेकिन गले में ख़राश होने की वजह से, और ये 5वीं बार जा करके हम वॉइस ओवर आपके साथ मतलब करके आप तक वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहे थे। और अल्लाह का शुक्र कि जो विक्स हमने खाया वो थोड़ा फ़ायदा कर गया, विक्स की टॉफ़ी। तो यहाँ पर जो बिरयानी का मसाला था वो डाल दिया है, और तली हुई प्याज भी डाल दी है, और हमने तैयार किया है लहसुन 2 पोटी ले ली थी, और 6 से 7 हरी मिर्चें ले ली थी, और अदरक ले लिया था तकरीबन 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा, और उनको अच्छे से फाइन पेस्ट बना के इसके अंदर हमने डाल दिया है। और ये 3 घंटे के लिए हमने इसको मैरिनेशन करके रखा था फ्रिज के अंदर। तो यहाँ पर हमने 10 से 15 हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं, और आप इसके अंदर 1 मुट्ठी भर के धनिया और 1 मुट्ठी भर के पुदीना ज़रूर डालिएगा, क्योंकि इससे हैदराबादी जो बिरयानी बनती है दम वाली, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मेरे पास इस वक्त हरी धनिया नहीं थी, और गमले में थोड़ा सा ही पुदीना लगा था, तो वो हमने थोड़ा सा डाल दिया है। तो यहाँ पर जिस ऑयल में हमने प्याज फ्राई की थी, तो वही ऑयल जो बचा था इसमें हमने मैरिनेशन में डाल दिया है। अब इसे हम 3 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख देंगे, और अगर इसे आप ओवरनाइट रखेंगे तो ये और भी ज़्यादा लजीज बनती है। तो ये आप बकरीद में मटन में बना करके इसी मतलब जो हमने आपको मैरिनेशन में चीज़ें पढ़ती हैं, तो ये सारी जो है ट्रिक को फॉलो करिएगा और इसी मेथड से इसको बनाइएगा। तो तकरीबन 1 बज गया है, और रोज़ी बैठी हुई हैं और मोबाइल के ऊपर मेरा ही वीडियो चलाकर देख रही हैं। तो चलिए अब किचन में चलते हैं और मैरिनेशन को निकालते हैं, तैयारी करते हैं दम बिरयानी की, और दम लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया, इसमें सारे खड़े मसाले डाल दिए हैं, और थोड़ा सा ऑयल भी, और थोड़ा सा हल्का सा केवड़ा वाटर भी। तो चलिए अब जो मैरिनेशन है उसको जो है तैयार करते हैं। और चावल को हमने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था, तो ये बासमती राइस है। तो ये देखिए मैरिनेशन हमारा रेडी है। तो यहाँ पर पतीली हमारी जो थी गर्म हो चुकी है,
इसके अंदर हम ऑयल डाल देंगे, और जैसे ही हमारा ऑयल हो जाएगा तो इसके अंदर जो है जो मैरिनेशन हमने तैयार कर रखा है वो आपको डाल देना है। तो और इसे फिर हम धीरे धीरे जो है पकने देंगे। और अगर आप मटन में बना रहे हैं तो थोड़ा सा आपका जो टाइम है वो 5 से 10 मिनट ज़्यादा जा सकता है। और वैसे भी अगर आप बकरीद में बनाएंगे तो बकरीद का जो गोश्त होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी से जो है गल भी जाता है, बन भी जाता है। तो ये देखिए हमने सारा मैरिनेशन डाल दिया है, और जो कढ़ाई में मसाला लगा था वो भी अच्छे से वॉश करके इसके अंदर डाल दिया है। और अब इसको हम जो है हल्का सा गलने तक पकाएंगे, 50% इसे हमें पकाना है, और चावलों को भी हमें सिर्फ जो है 60 से 70% ही पकाना है क्योंकि इसे हमें दम लगाना है। तो बस इसको हम पकने देते हैं। तो देखिए इसको पकते हुए तकरीबन 10 मिनट जो है हो चुके हैं और चावल भी बॉयल हो रहे हैं। तो पानी जो हमने चढ़ाया था इसमें मसाले डाल करके, तो पहले उसे आपको 12 मिनट तक पानी को पका लेना है ताकि जितने भी मसाले हैं उसकी खुशबू जो है पानी में उतर जाए। और इसके अंदर नमक भी डाल दिया था, और याद रखिएगा जो मैरिनेशन उसमें भी नमक पड़ा हुआ है। तो नमक जो है बहुत मतलब सोच समझ के डालिएगा, अगर बिरयानी में नमक तेज़ हो जाएगा तो उसको कम करने का कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो चावल भी हमारे बॉयल हो चुके हैं और जो मैरिनेशन है बिरयानी का वो भी तैयार हो चुका है, और देखिए कितना अच्छा सा कलर आया हुआ है। तो जो चावल थे वो हमने अलग-अलग कर लिए हैं, और उसी जिसमें चावल उबाले थे तो उसी में हमने ये गोश्त को पलट दिया है। तो अब ऊपर से इसके अंदर हम चावल को डाल देंगे, और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत ही लजीज और लाजवाब बनी थी। तो इस बिरयानी को आपने लाजमी ट्राई करना है। तो यहाँ पर जो गोल्डन प्याज थी थोड़ी सी बचा ली थी गार्निशिंग के लिए, तो हमने चावल की तह लगाने के बाद इसके ऊपर से प्याज डाल दी है, और बीच से मिर्च जो है कट करके वो डाल दिया, थोड़ा सा केवड़ा वाटर लेके उसमें ज़ाफ़रान या आप जर्दे वाला कलर लेके खोल के उसको डाल दीजिए। और इस जगह पे आप पुदीना और हरा धनिया ज़रूर डालिएगा, मेरे पास नहीं था, हम आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं। तो सब सारी तैयारी करने के बाद से आप इसके ऊपर से देसी घी ज़रूर डाल दीजिएगा, या जो है आपके पास जो भी ऑयल हो तो वो। और इसको एक बड़े भारी पत्थर से रख के दम लगा देना है तकरीबन 17 से 18 मिनट के लिए। तो देखिए ये है बिरयानी का फाइनल लुक, लग रही है ना ज़बरदस्त। और यकीन मानिए ये इतनी लजीज बनी थी कि सबको घर में बहुत ज़्यादा पसंद आई, और आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपकी भी बहुत तारीफ़ होगी घर में। और आप इस तरह से बनाएंगे तो आप भी इसके फ़ैन हो जाएंगे बनाने के। तो जो आज मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल नहीं प्रेस किया हो तो प्लीज़ उसको लाजमी प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको वक्त पे मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और लाइक कर रहे हैं तो आगे सोचिए मत, इसको शेयर भी कर डालिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है आप जो है इसको शेयर करेंगे तभी जो है मेरा वॉच टाइम पूरा होगा, लोग देखें। क्योंकि अभी जो यूट्यूब ने मतलब 1000 सब्सक्राइबर और वॉच टाइम का टारगेट रखा हुआ है, तो अभी वॉच टाइम मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो प्लीज़ आप सब जो है क्या कहते हैं इसको शेयर करके और इसको पूरा फुल वॉच करके मेरा वॉच टाइम मुकम्मल करवाइए। और ये रात का वक्त है, तकरीबन 9 बज रहे हैं, और दूध वाले भैया आ गए थे तो हम रोज़ी बाहर आ गए थे, थोड़ा चहलकदमी की उसके बाद दूध लेकर के अंदर आ गए। तो बस आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग यहाँ तक था। रेसिपी कैसी लगी, और रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।